हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं विकास द्विवेदी आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी ने अपनी वैकेंसी रिलीज कर दी है, जो कि 130,000 है। 130,000 वैकेंसी यहां पर आपको दिखाई जा रही है, जो कि बिल्कुल सच है। तो यहां से आप देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ने जो अपनी पहले वैकेंसी 34,577 रिलीज़ की थी, उसने बदल के नई नोटिफिकेशन में आपको 44,531 वैकेंसी दी है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है, जिसका आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए, आरआरबी के लिए जो नई बैचेस चंद्रा आपके लिए लाई है, लॉन्च कर रही है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लें। और यहाँ पर मैं विकास द्विवेदी आपको मैथ सेक्शन प्रोवाइड करूँगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी में आपको पहली स्टेज पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी स्टेज 1 मिलेगा, जहाँ पे 3 सेक्शन होंगे, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग। इनमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दिए गए हैं, जीए में आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ्स में 30 क्वेश्चंस और रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस। टोटल आप देख सकते हैं 30, 30, 60, 40, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, और इन्हें करने के लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा, जो कि मोर देन सफिशियंट है, जरूरत से ज़्यादा है। और भी जैसे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, और भी एग्जाम्स हैं जहाँ पर आप एग्जाम देते हैं, आपको काफ़ी कम समय मिलता है, लेकिन यहाँ पर इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 90 मिनट आपको दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। विश्वास कीजिए, जब आपको मैं सिलेबस बताऊंगा, सिलेबस के साथ साथ आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आप अभी, जैसे कि इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है आरआरबी की, वो जून से सितंबर तक की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो आपने अगर अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आप अभी से चंद्रा के साथ जुड़ के बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इस बार ही आप अपने आप को रेलवे में एक एम्प्लॉय के रूप में देख सकते हैं। फिर अगर स्टेज 1 एक में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, तो आप स्टेज 2 में जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। यहाँ पर भी आपको वही 3 सेक्शन मिलेंगे, इसका मतलब जो आपने तैयारी यहाँ पर की है, दोनों का सिलेबस एक है। हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो लेवल में, उनमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिले, लेकिन सिलेबस बिल्कुल एक है। जनरल अवेयरनेस यहाँ भी मिलेगी, मैथ्स यहाँ पे भी मिलेगा, रीजनिंग यहाँ पर भी मिलेगा। इसका मतलब जो आपने यहाँ पर तैयारी की है, उसी को आप एडवांस रूप में यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। बस यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रीजनिंग में यहाँ पे 30 थे, यहाँ पर 35 हो गए, 5 ज़्यादा हो गए, 5 मैथ्स में ज़्यादा हो गए, और यहाँ पर 40 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस से थे, यहाँ पर 50 हो गए। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर 120 हो गए, और टाइमिंग वही है 90 मिनट। इसका मतलब जो 90 मिनट में आपने 100 क्वेश्चंस यहाँ किए थे, अब उस 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं, और सिलेबस भी तकरीबन वही है। तो जो ग्रेजुएट पोस्ट है, जितनी भी ग्रेजुएट पोस्ट है रेलवे में, आप में जो भी दिखाई जा रही है, जो आप जानते हैं, उसकी एज लिमिट है 18 साल से 33 साल तक आप उसे भर सकते हैं। और जो भी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, उसके लिए 18 से 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो इस वर्ष के अंतर्गत जो भी क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हैं, वो इन पोस्ट को भर सकते हैं, ठीक। तो बात करते हैं, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं, पैटर्न क्या एग्जाम का। अब बात करते हैं कि जैसे कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ्स, तो मैथ्स का सिलेबस क्या है, और किस तरह से हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। इनके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो एप्लीकेशंस स्टार्ट हो गए हैं, अब आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 1 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं, और 31 मार्च तक, 31 मार्च तक, ध्यान से सुनिएगा, कई बार आप गलती कर देते हैं, 31 मार्च तक लास्ट डेट का इंतज़ार आप ना करिए। आप जब फ्री हों, आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल करने की, ठीक है। और मैं जब भी आपको ये गाइडलाइंस देता हूँ कि जब भी आप इस फॉर्म को भरें, तो बड़े ध्यान से भरें। कई बार होते हैं कि आप मेल की जगह फीमेल भर देते हैं, फीमेल की जगह मेल, ऐसे कई क्वेरीज हैं, कई स्टूडेंट्स के क्वेरीज हैं जो आते रहते हैं। तो आप ध्यान से भरिएगा बिल्कुल, क्योंकि आरआरबी में इस बात को आप जान लीजिए कि अगर आप जिस लोकेशन में, मतलब जिस क्षेत्र में, जैसे एक जगह से दूसरे का ट्रांसफर बहुत मुश्किल होती है, जिस सर्कल में आपने पोस्ट अपनी लिया है, आपको जीवन भर वहीं पे नौकरी करना पड़ेगा। तो जल्दी यहाँ से आपके सर्कल चेंज नहीं होगा, तो आप अपना फॉर्म बहुत ध्यान से भरेंगे, और सारी डिटेल्स आप खुद एक बार चेक करके ही सबमिट करेंगे। कई लोग होता है कि साइबर कैफ़े वाले पे भरोसा कर लेते हैं, और पूरा का पूरा फॉर्म उनके बल पे ही भर देते हैं, और बाद में ऐसा होता है कि कई गलतियाँ हो जाती हैं, जिससे सिलेक्शन के बाद आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक। चलिए, तो आइए फिर हम बात करते हैं मैथ्स के सेक्शन की, कि क्या सिलेबस है और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत आसान है, 30 में 30 क्वेश्चंस, 35 में 35 क्वेश्चंस आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है।
और भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, मैंने जो सिलेक्टेड जो आप जानना चाहते थे जैसे क्वेरी लोग कमेंट करके बता रहे थे, उसके आधार पर मैंने आपको थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब बात करते हैं मैथ के सिलेबस की। चलिए मैथ का सिलेबस की हम बात करते हैं। बात करें तो जो आपके ऑफिशियल साइट पे जो मैथ का सिलेबस है उसमें क्या क्या लिखा गया है और उसके अंतर्गत क्या क्या हमें अपने तरफ से पढ़ना है। पहली चीज हम देखेंगे नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, दूसरा डेसिमल, तीसरा फ्रैक्शन, चौथा एलसीएम एचसीएफ, पांचवा परसेंटेज, छठवा प्रॉफिट लॉस। फिर हम बात करेंगे इंटरेस्ट की, जिसमें दो तरह के इंटरेस्ट आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क की फिर हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस की। इसके बाद हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। फिर हम बात करेंगे एवरेज की। फिर हम बात करेंगे एलिमेंट्री एलजेब्रा की। फिर हम बात करेंगे एलिमेंट्री स्टैटिक्स की। फिर हम बात करेंगे ज्योमेट्री की। फिर हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की। फिर हम बात करेंगे मेंसुरेशन की। इतने ये कुछ टॉपिक्स हैं, है ना। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि वहां पर अगर उसने नंबर सिस्टम को कह दिया है, तो नंबर सिस्टम कहने का मतलब है कि नंबर सिस्टम में डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ वो ऑटोमेटिक पूछेगा ही, लेकिन उसने अलग अलग डिफाइन किया है। कहने का मतलब है, अलग अलग डिफाइन करने का मतलब है कि उसमें जितने भी रेंज होती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, वो सारे पूछे जा सकते हैं। नंबर सिस्टम अगर लिखने का मतलब है कि बेसिक रूप से हम थोड़ा थोड़ा सब पूछ सकते हैं, लेकिन अगर एलसीएम और एचसीएफ को अलग अलग दिया गया है नंबर सिस्टम के बाद भी, इसका मतलब एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फ्रैक्शंस, डेसिमल, नंबर सिस्टम, है ना, काफ़ी अच्छे हैं। तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो हिंदी में जानते हैं सिलेबस उनके लिए मैं बता दूं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, डेसिमल, दशमलव, फ्रैक्शन भिन्न, एलसीएम एचसीएफ लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक, परसेंटेज प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क समय और कार्य। कई लोग सोचते हैं कि सर पाइप और टंकी तो नहीं आएगा, तो टाइम एंड वर्क में ही आप सीखेंगे पाइप एंड सिस्टम, मतलब पाइप और टंकी, और वेजेस मजदूरी संबंधी प्रश्न आप यहीं पे देखेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी में ही आप दो तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, रेल वाले, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। टाइम एंड डिस्टेंस इसी कॉन्सेप्ट पे नाव और धारा के सवाल भी बनाए जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात और समानुपात की। इसी में हम बात करेंगे एजेस की, मतलब आयु संबंधी प्रश्न, और इसी में बात करेंगे पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप, साझेदारी। फिर एवरेज को हम पढ़ेंगे, एवरेज का मतलब है औसत, और औसत से ही हम एलिगेशन को समझेंगे। सभी ने आपको बताया होगा कि एलिगेशन मतलब सम्मिश्रण एक अलग चैप्टर होता है, लेकिन मेरा मानना है कि एलिगेशन सम्मिश्रण औसत का ही एक रूप है, जो कि आगे आने वाले समय में आपको बताऊंगा। तो एवरेज, औसत, औसत के साथ ही हम एलिगेशन पढ़ेंगे, सम्मिश्रण, एलिमेंट्री एलजेब्रा मतलब सामान्य बीजगणित हम देखेंगे, एलिमेंट्री स्टैटिक्स मतलब सामान्य सांख्यिकी हम देखेंगे, ज्योमेट्री, ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये है आपका सिलेबस, जिसे बहुत खूबसूरती के साथ हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इन सब चीज़ों के, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दें और बिल्कुल अपनी तैयारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के साथ शुरू कर दें। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आने वाले समय में, आज मार्च है, आपके पास पूरा का पूरा मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून है, जबकि एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम मंथ है वो जून टू सितंबर है, जून से सितंबर, तो आपके पास काफ़ी समय है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपके पास 17 मैंने आपको टॉपिक दिखाए हैं, जिसमें थोड़े थोड़े अलग भी टॉपिक हैं, मतलब हम 20 से 22 टॉपिक्स ख़त्म करेंगे। डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा और साथ में प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको स्टार्ट करते हैं, फिर हम आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटा सा टॉपिक, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले एक टॉपिक आपको दिया है रेलवे ने अपने सिलेबस में, एलसीएम और एससीएफ, इसको जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसका यूज़ हम कई जगह करते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क, अगर आप इस्तेमाल टाइम एंड वर्क आप जब पढ़ेंगे, वहाँ पे आप एलसीएम मेथड देखते हैं, और हर जगह कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में एलसीएम का इस्तेमाल होता ही रहता है। तो रेलवे के बच्चों के लिए एलसीएम और एससीएफ निकालना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कम समय में कितनी अच्छे तरीके से हम निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एससीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है लघुत्तम, लघुत्तम समाप वर्त, जिसे लासा के नाम से जाना जाता है, और यह है महत्तम समाप वर्तक, महत्तम समापवर्तक, जिसे कि जिसे हम महत्तम समापवर्तक मासा के नाम से जानते हैं। तो आपको यहां पर बात ध्यान देनी होगी कि एलसीएम हमेशा मल्टीपल को बताता है, एक ये वर्ड, और एससीएफ हमेशा फैक्टर को दिखाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी, और पूरी वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में साथ साथ ले जाऊं, जैसे कि दोनों तरह के मीडियम के लोग इस बात को समझ पाएं। तो जो चीज़ मैं इंग्लिश में बताऊंगा वो हिंदी में बताऊंगा, हो सकता है किसी एक लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल करूं। अगर मैं हिंदी में लिखता हूं तो इंग्लिश बोल दूंगा, अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूं तो मैं हिंदी में बोल दूंगा, ठीक है। जैसे कि ये मल्टीपल और फैक्टर का क्या लोचा है, मैं आपको ये समझाता हूं। जैसे कि मैं कहूं कि 12 और 15 का आप एलसीएम निकालो, अभी मैं आपको एलसीएम निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि एलसीएम और एससीएफ का मतलब क्या है। जैसे मैं कहूँ कि 12 और 15 का एलसीएम निकालूँ, तो एलसीएम जब आप निकालेंगे तो आप पाएंगे कितना आया, 60। अगर मैं कहूँ कि 12 और 15 का एससीएफ निकालें, तो आप 12 और 15 का जब एससीएफ निकालेंगे तो ये आएगा 3। तो कभी कभी होता है कि लोग इस बात से ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि एलसीएम निकालना है कि एससीएफ निकालना है। लोग कहते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो वो सोच लेते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है एससीएफ, और वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो इससे लोग समझ लेते हैं कि वो क्या है, एलसीएम।
इस छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या, इससे कोई भी लेना लेना और देना नहीं है कि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। इस बात को आप समझिए कि एलसीएम की जो परिभाषा होती है वो ये बताती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि 12 और 15, अगर मैं 12 और 15 का पहाड़ा पढ़ूं तो 12 एकम 12, 12 दुनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 15 एकम 15, 15 दुनी 30, 15 तिहाई 45, 15 चौके 60, फिर 15 पछे 75, ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, है ना। मैं इस बात को यहाँ पर नोटिस करता हूँ कि जब मैं 12 और 15 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट किया तो इन दोनों के पहाड़े में जो एक इनका जो गुड़ज दोनों में कॉमन था वो क्या था, 60। 60 के बाद आने वाले समय में कई ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 12 में मिलेंगी और 15 में भी, लेकिन 60 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 12 से कट जाए और 15 से कट जाए। तो यहाँ से इसकी परिभाषा हम बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 12 और 15 का एलसीएम निकाला गया है तो यहाँ पर होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। आप मुझे बताओ कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो, इसका मतलब यहाँ 12 और 15 से आप विभाजित कर रहे हैं, 12 और 15 से, इसका मतलब 12 और 15 क्या है, भाजक। तो आने वाला उत्तर हमेशा बड़ा ही होगा संख्याओं से, 12 और 15 से बड़ा ही होगा 60। तो जब ये अनुमान आप लगा पाएं कि जो उत्तर आ रहा है वो बड़ा होगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ 12 और 15 के एचसीएफ निकालने की, तो 12 का आप गुणनखंड करते हो कि 12 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है, तो आप देखो कि 12 को कौन काट सकता है, एक काट सकता है, दो काट सकता है, तीन काट सकता है, चार काट सकता है, छः काट सकता है और 12 काट सकता है। एलसीएम 15 को कौन कौन काट सकता है, तो आप देखेंगे एक काट सकता है, तीन काट सकता है, पांच काट सकता है और 15 काट सकता है, है ना। तो यहां पे देख सकते हैं आप कि 12 और 15 में आप देख रहे हैं तो इनके जो सार्व गुणनखंड है वो एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है, तीन यहां पर है और तीन यहां पर भी है। इसका मतलब 12 और 15 के दोनों ही गुणनखंडों में, अगर मैं सार्व गुणनखंडों की बात करूं तो एक और तीन ऐसे दो गुणनखंड हैं जो 12 को भी विभाजित कर रहे हैं और 15 को विभाजित कर रहे हैं। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि एक और तीन में बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे तीन बड़ा है। तो यही एचसीएफ की परिभाषा होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं विभाजित हो। जैसे कि 12 और 15, है ना, 12 मतलब 12 और 15 को विभाजित करेगा। तो यहां पर अगर आपका उत्तर, आप मुझे बताइए, यहां 12 और 15 क्या हो गए, भाज्य हो गए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 12 और 15 विभाजित हो, इसका मतलब 12 और 15 को विभाजित कर रहा हूं मैं, इसका मतलब आने वाला उत्तर हमेशा छोटा होगा। तो यहां से हमने ये सीखा कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, अगर आने वाला उत्तर संख्याओं से बड़ा है तो इसका मतलब हमें एचसीएफ निकालना है, अगर आने वाला उत्तर 12 और 15 से छोटा है तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहां से हमने ये सीखा। आइए इन सब बातों को एक छोटे से तरीके से मैं आपको और समझा दूं। फिर से ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आपको 24 और 36 कहा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे 24 और 36 विभाजित हों, जिससे वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे सवाल सुनिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 24 और 36 विभाजित कर दें। इसका मतलब 24 और 36 विभाजित कर दें, इसका मतलब ये भाजक है, तो आने वाला उत्तर क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब मुझे ये पता चलेगा कि उत्तर बड़ा आएगा तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक। और मैं ये कहूँ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे जिससे 24 और 36 विभाजित हैं, जिससे 24 और 36 विभाजित हैं, इसका मतलब 24 और 36 को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब उत्तर छोटा आएगा। तो जब आपको ये फीलिंग आएगा कि उत्तर छोटा आ रहा है तो वहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ मतलब मासा, और यहां पर लासा, ठीक।
ये छोटी से छोटी बात थी, इसका मतलब शब्दों पर डिपेंड नहीं करता है कि एस सी एफ निकालना है कि एल सी एम निकालना है। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी से छोटी बात आप समझ पाए होंगे। तो हम यहाँ पर ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आज हमने आपको बताया कि रेलवे की वैकेंसी आ गई है, अब आप इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ, अब आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अब अगली क्लास में जो मैं आपको डेमो दूंगा वो कंप्लीट एलसीएम और एससीएफ का होगा, जो एक क्लास में सारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, आधे घंटे लगेंगे। और एलसीएम और एससीएफ में आपको जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं आपको लगेगा कि सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। तो अपना उत्साह इसी तरह चंद्रा इंस्टीट्यूट के साथ बनाए रखिएगा। अगली वीडियो में मैं आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।